देखो दोस्तों, बिजनेस के तरीके हैं, आज जो मैं चार उदाहरण देने वाला हूं, इन चार उदाहरण से आप बिजनेस के मास्टरमाइंड बन सकते हो अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा। अब जो मैं आखिरी बात करने वाला हूं दोस्तों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आप मान के चलो ये बंदा मेरे दिल के करीब है। मैं आपको बता दूं, इस बंदे ने जैसा काम, जब मैं इनसे फर्स्ट बार मिला था ना, तो इनकी आंखों में आंसू थे कि अजीत भाई मेरी स्थिति नहीं है, लेकिन उस स्थिति को इसने जो कन्वर्ट किया, ये बकायदा दिमाग मैंने नहीं दिया था उसको दोस्तों, ये उसका दिमाग है जो आज मैं आपको बता रहा हूं। नमस्कार, प्रणाम, आदाब दोस्तों, कैसे हो? आज नई दिशा में आपका स्वागत है। नई दिशा फ्राइडे हर बार लेके आते हैं। आज आपने हेडिंग देखी होगी, बगैर पैसों के व्यापार हो सकता है क्या? तो खूब सारे आपने इस टॉपिक पे वीडियो भी देखे होंगे। मैंने नीचे एक और हेडिंग दी है कि हो सकता है, उसके कारण है क्या, टॉपिक है वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में साथ में। लेकिन बगैर पैसों के व्यापार, जो कई वीडियो आप देखते होंगे, कई बोलते हैं उधार बोल के व्यापार, ये सब बकवास चीजें हैं दोस्तों। बगैर पैसों से कुछ नहीं होता, मिनिमम खर्चे से काम हो सकता है, ये जरूर इस पे आज बात करेंगे। लेकिन कोई बोलता है बगैर पैसे से व्यापार होता है, ऐसी सलाह पे कहीं पर भी मत जाओ दोस्तों। आज आप एक वीडियो देख के सूरत भी आते हो, मैं बोलता हूँ आपको कुछ व्यापार भी नहीं करना, सूरत भी आते हो, होटल लेते हो, दो दिन रुकते हो, तो भी खर्चा लगता है ना, तो पैसे तो लग गए ना, अभी तो व्यापार किया ही नहीं, उससे पहले ही खर्चा चाहिए। जेब में 5,000 हो तो सूरत आना पड़ता है दोस्तों। तो बगैर पैसों के कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। आज एक चीज मान के चलना दोस्तों, कई वीडियो आते हैं वो सब फेक होते हैं, बगैर पैसों के व्यापार नहीं होता है मेरी नजर में। और मिनिमम किन चीजों के टॉपिक से व्यापार हो सकता है, मैं आज उन चीजों के बारे में आपसे बात करूंगा कि विदाउट या कम पूंजी, कई उदाहरण देने वाला हूं मैं आपको, जिनसे व्यापार आप अपना आगे बढ़ा सकते हो। तो फर्स्ट अपना टॉपिक ये था कि बगैर पैसों के, तो ये मैं रेगुलर वीडियो पर सलाह देता रहता हूँ, विदाउट पैसे के व्यापार नहीं होता है, मिनिमम पूंजी से व्यापार हो सकता है। और उसके आज मैं आपको तरीके बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या तरीके होते हैं, किस टाइप से मेरे से लोग जुड़ के व्यापार कर रहे हैं, वो दिशा में आज मैं प्रकाश डालने वाला हूँ दोस्तों आपके सामने। तो आज मैं बात करता हूँ दोस्तों कि मिनिमम कम पूंजी में, देखो दोस्तों पैसे बगैर तो कुछ नहीं होने वाला, विचार करते हैं तो भी कहने का मतलब है कि अपने को सूरत जाना है तो भी पैसे चाहिए, तो कोई भी विदाउट पूंजी के काम नहीं होता है। मैं आज आपसे बात करता हूं, पहले कस्टमर जो मैं बकायदा पूरा उनका लेखा जोखा लाया हूं, क्योंकि कंपनी में ऐसे कई ग्राहक जुड़े हुए हैं, हम तो इनसे क्या बातें करते हैं तब हमें पता चलता है कि भाई ये किस टाइप से अपना व्यापार जीरो से हीरो बने हैं। ऐसे लोगों की दास्तान में आपको चार ऐसे उदाहरण लाया हूं जो हमारे से रेगुलर जुड़ गए। ऐसे मेरे पास खूब सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैंने चार टॉपिक उठाए हैं, और चारों टॉपिक्स में से मैं पहले बात करता हूँ बिहार मोतिहारी, जो इनका नाम है अंजलि चौधरी, ये हमारे से जुड़े हैं 2017 से लेकर 2021 तक। इनके करीब हमारे पास बिल बने हैं 160 टोटल बिल बने। इन्होंने अपना व्यापार कैसे किया मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये हमारे पास 2017 में आए थे, हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे। अब ये लेडीज एक मोहल्ले में है ना, जैसा रुतबा रखते हैं, यानी हर एक चीज इनकी लोग बात मानते भी, इनके घर में ये लेडीज कैसा है इनका स्वभाव मैं आपको बता देता हूँ। बिजनेस में ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत जाके आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, जिनको कहीं ज्वेलरी लेने जाना है तो उस लेडीज को साथ में ले जाते हैं, कहीं शादियों की खरीदी करने जाते हैं उस लेडीज को साथ में ले जाते हैं, यानी कोई भी तरह का काम हो, कुछ स्टील के बर्तन लेने जा रहे हैं शादियों के अंदर, नहीं यार उनको ले लो साथ में तो थोड़ा ठीक रहेगा, इनको थोड़ा आइडिया होता है। ये ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में, ऐसे लोग हर गली में, हर परिवार में, हर मोहल्ले में मिलते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं मेरे में कला क्या है, वो समझ नहीं पाते हैं मेरे में खूबी क्या है। लेकिन इन अंजलि जी ने ये खूबी अपनी आप अपनाई। इन्होंने कैसे व्यापार किया, हमारे से ले जाके इन्होंने फर्स्ट बिल इनका था मेरे पास 45,000 रुपए का, इन्होंने फर्स्ट 45,000 का माल ले जाके इन्होंने अपना व्यापार आगे कैसे बढ़ाया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। इन्होंने क्या किया कि जिस घर में, ये अपने घर पे ही व्यापार करते हैं, और जिस घर में जैसे शादी होती है तो उनको ये हमारे बच्चों से वीडियो कॉलिंग शाम को टाइम लेती है कि भैया आज मुझे शाम को आधे घंटे का, एक घंटे का टाइम दीजिए और मैं एक वीडियो कॉलिंग करवाती हूँ, उसमें उनको रेंज बताइए। और इनका टॉपिक कैसा चलता है भैया, उनको 5 आइटम बताइए, पहले 500 से लेके 1,000 के रेट किसी की बतानी नहीं होती हमें,
तो वो वहां पर उनके घर वालों को पसंद करवाती है वीडियो कॉलिंग से कि सूरत का मेरा कॉन्टेक्ट है, मैं आपको डायरेक्ट माल भिजवा देती हूँ। ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा भी अगलों का ही। इन्होंने ऐसे सौदे खूब बनाए, जैसे लेने देने वाली साड़ियां, शादी की 20 से 25 साड़ियों का ऑर्डर दिलवा दिया, उसके अंदर भारी वाली साड़ियां चाहिए 20 से 25 वो, और दो लेंगे या तीन लेंगे वो भी वीडियो कॉलिंग से पसंद करवा देते हैं परिवार वालों को कि भाई ये देख लीजिए सूरत में यही मार्केट में आप लेने जाओगे तो डबल पैसा लगेगा, मैं तुम्हारे को सीधा कर देती हूँ, मुझे इनका कोई सेटिंग भी होगा, मुझे 50 रुपये दे देना या 20 रुपये पीस का दे देना, मैं आपको डायरेक्ट टचिंग करवा देती हूँ। इससे ना तो पार्टी के पास हमारे नंबर गए, ना कोई लेना देना डायरेक्ट पार्टी से। इन्होंने ऐसे करके कम से कम 160 बिल बनाए और ये अब दुकान करने वाले हैं, यानी इन्होंने अपने व्यापार को इस टाइप से बढ़ाया, यानी इन्होंने आके सूरत मिले हैं, आके पूरा समझाया, कारोबार हमारा देखा है, हम किस टाइप की लोगों को ट्रेनिंग देते हैं वो भी समझी इन्होंने, और उन ट्रेनिंग में से इन्होंने ये मुद्दा उठा के अपना व्यापार सेट किया। आज ये अपने इनके मासी के, इनके रिलेशन में जितने ही परिवार के शादियां हैं, कोई भी काम है, ये खुद के पास जो स्टॉक होता है वो बेचते हैं, उसके अलावा अदर किसी को चाहिए, किसी को सिंगल लहंगा दो लहंगा भी चाहिए, भारी वाले हमारे वीडियो कॉलिंग से पसंद करवाते हैं, हमें एड्रेस देते हैं, भैया इस एड्रेस पे भेज दीजिए, इनका तो कुरियर खर्चा भी नहीं लगा, डायरेक्ट पैसा ले लिया पार्टी से, इस टाइप से भी व्यापार करते हैं। इन्होंने लास्ट लहंगा हमारे से 9,000 रुपये में मंगा के 18,000 रुपये में बेचा, वो भी इन्होंने अपना बिजनेस है। तो हमने आज तक यही सोचा है कि हम आम खाने का ध्यान रखते हैं, गुटलियों से हमें कोई लेना देना नहीं है, फर्स्ट उदाहरण इनका हो गया। आगे बंदा कितना भी कमाए रिटेल में, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपनी अपनी सोच है, जितनी बड़ी सोच होगी, जितनी बड़ी रिस्क होगी, उतना ही बड़ा व्यापारी बनता है। तो विदाउट पूंजी में इन्होंने ये काम किया, पहला उदाहरण हो गया। सेकंड ये है पंजाब के मेरे पास सुखविंदर कौर लेडीज है, ये आज के 2 साल पहले, यानी ये है प्रॉपर पंजाब के हैं, और इन्होंने ये एमपी और हरियाणा में माल बेचा है ऑनलाइन से। पहले ये आए थे हस्बैंड वाइफ, ये आए थे 2019 में हमारे पास, आके समझ के गए थे, देख के गए थे, ये बकायदा वडोदरा रहते हैं, लेकिन यहाँ से ये एमपी, पंजाब, हरियाणा अलग अलग जगह दुकानों पे अपना माल बेचते हैं हमारा वाला। इन्होंने अपनी सेटिंग की है, सेटिंग करके यहाँ से पहले आए थे कुछ भी नहीं लिया था, लेकिन इन्होंने सेटिंग करके 4 से 5 फर्मों में अपना काम बढ़ा लिया, यहाँ से माल परचेज करते हैं, वहां भिजवाते हैं, अपना कैसा क्या सेटिंग करते हैं ये रख के आगे माल फॉरवर्ड करवाते हैं, हमें पेमेंट आ जाता है। ये बंदे बहुत बढ़िया जेन्युइन काम कर रहे हैं और खूब सारा इनको माल जा रहा है। ये बंदों ने भी अलग टेक्निक से काम किया। देखो दोस्तों, बिजनेस के तरीके हैं, आज जो मैं 4 उदाहरण देने वाला हूं, इन 4 उदाहरण से आप बिजनेस के मास्टरमाइंड बन सकते हो, अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा तो ये चीजें। तीसरा उदाहरण दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण है, ये है यूपी बलिया, ये बलिया में एक रसर कोई जगह पड़ती है, वहां के हैं दीपक मिश्रा और प्रियंका मिश्रा। एक्चुअल में ये कलकत्ता रहते हैं वेस्ट बंगाल में, और वहां पर इनकी बैंक में नौकरी है। अब इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, इन्होंने अपना बिजनेस कैसे किया बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने कहने का मतलब है 3 साल हो गए मेरे से जुड़े हुए, 3 साल से जुड़ने के बाद इन्होंने क्या किया, ये जो प्रियंका मैडम है इन्होंने अपने घर से स्टार्ट किया था। घर से स्टार्ट करने के बाद इन्होंने, जैसे कई लोग होते हैं ना दोस्तों, मैं आप आज बिजनेस का एक तरीका बताऊं दोस्तों, इनका क्या तरीका है, इनका बड़ा तरीका मेरे को इंटरेस्टिंग, सबका साथ, यानी सबको साथ में लेके चलने वाली सोच है इस बंदे की। जैसे हमारी कंपनी की फॉलोअप के हर एक बेरोजगार लोग को हम खड़ा करें, हमारी सोच शुरू से ऐसी रही है, ये हमारी सोच में मिलती जुलती सोच है इन दीपक मिश्रा जी की और इनकी वाइफ की। इन्होंने क्या किया मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया, ये हमारे पास आए थे करीब 50-60-70 हज़ार का माल लेके गए थे फर्स्ट टाइम, इन्होंने ले जाके क्या हुआ, अब कोई बंदे का अच्छा चलता ना काम, कोई बंदा अच्छा चलता है, भैया आप ये सूरत से कहाँ से ला रहे हो, तो बंदा क्या बोलता है भजवाड़े, वो एड्रेस नहीं बताता, क्यों, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बताया उन लोगों को, इन्होंने अपने परिवार के रिलेशन में साडू की लड़की को, भांजी को, बहन को, आजू बाजू पड़ोस वालों को, अलग एरिया में ऐसी सब लेडीजों को इन्होंने खड़ा किया। आज तक इन्होंने 48, लास्ट टाइम आए थे तो मेरी इनसे बात हुई थी, 48 लेडीज को इन्होंने घर पे बिजनेस स्टार्ट करवा दिया। ये क्या बोलती है, अजीत भैया अगर मैं उनको एड्रेस बताऊं तो मैं उनको बोलती हूँ सूरत जाएगी, सूरत तो 1 लाख दुकान है, अगर तू सूरत जाके 5,000-10,000 खर्चा करेगी, वहां से 20,000 का माल लाएगी तो तेरे को कितना महंगा पड़ेगा, इसके बजाय मैं ही तेरे को यहाँ पर रिजनेबल रेट में माल दे देती हूँ, तू बेच जितना बिके उतना बेच। अब इन्होंने क्या किया, पहले 2 लेडीज को जोड़ा, 3 को जोड़ा, अब इन्होंने मेरे से 70,000 का माल लिया,
10-10 हजार का माल 5-6 लेडीजों को बेच दिया, बाकी 20-25 हजार का खुद ने बेचा। अब उनमें से इनका 5 हजार का रिटर्न आया, बाकी बिका ना। यानी माल बिका है 4 जगह, दूसरी 2 पीस इनकम आई किनके, इनके घर में। इन्होंने एक से एक ज्वाइंट करके ऐसे 48 लेडीजों को रोजगार दिया। इनके हस्बैंड मैनेजर है तो पैसे लगाने में भी इनको दिक्कत नहीं थी, लेकिन इनकी वाइफ ने अपना दिमाग सबको साथ लेके चले और आज इन इस लेडीज ने 48 लोगों को घर में रोजगार दिया है। जो लेडीज दिन भर में घर में 20-25 सूट लेके बैठी है, रोज के एक सूट भी बेचे उसको 250 रुपये मिले, 100 इनको भी मिला, 150 उसको भी मिला, उसने तो कुछ नहीं लगाया पूंजी, और माल की भी जवाबदारी इनकी। ये होता है बिजनेस का तरीका दोस्तों। यानी एक से एक लोग होते हैं जो एड्रेस भी नहीं बताते हैं ना, उसमें दिमाग लगाते हैं तो ये साला मेरा धंधा छीनना चाहता है। अरे उसको रास्ते पे लाओ, उसी को समझाओ, तू वहां जाके क्या करेगा भाई, मैं तेरे को देती हूँ ना उसी रेट में, मैं दे देती हूँ उसमें, आप जहाँ 200 रुपये पीस के कमा रहे हो उसको 100 कमा के दे दो, तू बेच तेरी जो रेट बेचनी है उस एरिया में, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं तो ये 500 में बेच रही हूँ, तू 700 में बेच दे। तो ये हुआ एक बिजनेस माइंड दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ऐसे भी लोग जुड़े हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अब जो मैं आखिरी बात करने वाला हूं दोस्तों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आप मान के चलो ये बंदा मेरे दिल के करीब है। मैं आपको बता दूं, इस बंदे ने जैसा काम किया ना, मैं आज बताऊं, ये सन 2013 से जुड़े हुए हैं। ये सिकंदराबाद जो तेलंगाना में आंध्रा में, उस समय एपी में पढ़ता था, और ये 2000 फारूक मलिक साहब सॉरी है, मैं आपका उदाहरण ले रहा हूं क्योंकि ये लोग सब देख रहे भी होंगे मेरे वीडियो को। तो मैं फारूक साहब ने क्या किया, फारूक साहब सन 2013 में मेरे पास आए थे, इन्होंने मात्र मेरे से 20-22 हजार रुपए का माल लेके गए थे, मुझे आज भी याद है, और बोले अजीत भाई मेरी स्थिति ठीक नहीं है ना, पैसे हैं। इन्होंने बैठ के 2013 मेरे ऐसी बात की थी। और अब इन्होंने क्या किया और अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाया, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इन्होंने मदीना मार्केट में अमीर पेट में दीवान देवड़ी जो पत्थरघाटी के फेरिये वगैरह होते हैं, वो इन्होंने क्या किया, वो माल ले गए और वहां पर दुकानदारों को दिया माल, और दुकानदारों को बोला कि सूरत से मैं 25 हजार का माल लाया हूं भाई, और VRL ट्रांसपोर्ट की एबिलिटी है, मेरे को 5% दे दो। इन्होंने वो सीधा का सीधा पार्सल अगले बंदे को दे दिया, 1250 रुपये इनके बच्चे, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी पार्सल वाला, दुकान वाला भी खुश कि मैं सूरत गया ही नहीं और मेरे को सीधा माल मिल गया, और बंदा सीधा ओपन बोल रहा है 5% लूंगा। ऐसे करके इन्होंने दुकान वालों से ट्यूनिंग बिठाई, इनका मेरे से इतना बड़ा कारोबार हुआ कि इन्होंने पार्सल टू पार्सल 40-40, 50-50 हजार के पार्सल इनके हर दूसरे दिन मेरे यहाँ से निकलते थे, और इन्होंने ऐसी सेटिंग बिठा ली वहां पर कि अजीत भाई इस आइटम का एक पार्सल भेजो, वहां से ऑर्डर लेते थे, ऑर्डर लेके मुझे बोलते थे अजीत भैया भेजो, एक पार्सल में इनको 5% ही लेते थे, 2000 रुपये एक पार्सल उतरा, इनके 2000 रुपये अपनी जेब में आ गए, महीने के 20-25 पार्सल भेज दिए, 50 हजार रुपये का नोट विदाउट पूंजी एक बार लगाया 25 हजार। ये अपने दिमाग की बात है। फिर आ गया हमारे GST, GST आने के बाद इनको थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, डिस्टर्ब होने के बाद इन्होंने अपने बेटे सोहेल को अभी सिकंदराबाद में दुकान करके बिठाया है, और पिछले 2 साल से मेरे यहीं से गाउन सूट साड़ी हर चीज जा रही है और बहुत बेटर चल रही है। लेकिन इस बंदे की मैं तारीफ ये करूंगा कि मुस्लिम बंदा है और मेरे दिल के करीब है, क्योंकि इस बंदे ने है ना, जब मैं इनसे फर्स्ट बार मिला था ना, तो इनकी आंखों में आंसू थे कि अजीत भाई मेरी स्थिति नहीं है, लेकिन उस स्थिति को इसने जो कन्वर्ट किया, ये बकायदा दिमाग मैंने नहीं दिया था उसको दोस्तों, ये उसका दिमाग है जो आज मैं आपको बता रहा हूं। यानी यही चीजें हैं दोस्तों बिजनेस में, कि आप किस चीजों में किस टाइप से दिमाग लगा के अपने व्यापार को 4 चांद लगा सकते हो, आपके पास अगला काम क्या, ये दिमाग होना चाहिए। किसी के पास ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे अगला काम पता ही नहीं है करना क्या है। तो ये है दोस्तों, आपके पास दिमाग होना चाहिए, अगला काम क्या होना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो हजारों लोग जुड़ के इस टाइप से अपना व्यापार कर रहे हैं, मेरे पास ऐसे खूब सारे उदाहरण हैं दोस्तों, लेकिन मैंने आज आपको 4 उदाहरण दिए हैं। इसलिए दिए हैं कि आप अजीत जोन नई दिशा सीरीज देखते हो, खूब प्यार देते हो, अगर ऐसी चीजें और अपने दिमाग से नई चीजें डेवलप करके आप अपना व्यापार कर सकते हो तो करना चाहिए। फालतू जो उधार बोलते हैं, उधार माल मिलता है, देखो दोस्तों चलती राह में अपन 10 रुपये नहीं देवे, चेहरा देख के कोई बंदा उधार देने वाला नहीं है, और कोई बोलता है कि बगैर पैसों के व्यापार हो जाएगा, ये भी बेवकूफी चीजें हैं। लेकिन कम पूंजी में व्यापार कैसे हो सकता है, मैंने आपको उदाहरण दिया।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर करने का, प्यारा लगे तो आगे एक कमेंट भी मार देने का, अजीत भाई हमारे लिए मेहनत करता है। ऐसे ही मैं आपसे रेगुलर में मिलता रहूंगा। नई दिशा सीरीज में दोस्तों लास्ट वाला जो अगले फ्राइडे को वीडियो आने वाला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो मैंने कहने का मतलब है कि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है, वो वीडियो जरूर देखें अगले फ्राइडे को, क्योंकि बड़ा दिल के करीब मेरे वो वीडियो बना हुआ है, आप जरूर देखें। बाल मुकुंद जी सराफ को इस वीडियो में जितने अपनी जिंदगी के बारे में बताया है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जरूर आप उसको भी शेयर करें। ऐसे ही मिलते रहेंगे दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखें, अपना खूब ख्याल रखें, अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।